Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So today we are studying class 7th SST, and today we are studying history, chapter number 2nd. The name of chapter is New Kings and Kingdom. We have already seen first part of this chapter. Inside of that we have seen that there are so many dynasties and the rise of the new dynasty. Then we saw administration in the kingdom, and at the last, in our last part of this chapter, we have seen 400 type of taxes they were collected. So now continue to the chapter, and these resources were used to finance the king's establishment. जो resources थे किसके काम आते थे, used to finance करके काम आते थे किसके, king establishment की, as well as for the, जैसे कि जब क्या होता, constitution of temple and forts, किसके काम आते, जैसे temple बनवा दिए, महल बनवा दिए, they were also used to, और किसके काम आते थे, fight wars के, लड़ाइयों के काम आते थे, which were in turn, जो कि क्या होता था, टर्न होता था, एक्सपेक्टेड टू लीड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ द प्लंडर एंड द एक्सेस ऑफ लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स. तो वेल्थ के काम, वेल्थ प्लंबिंग के काम आता था, टैक्सेस के काम आता था, ट्रेड्स को रूट्स के काम आता था, मतलब ट्रेड्स को रोटेट करते थे, टर्न्स करते थे. एक के बाद एक द फंक्शनल of collection revenue were generally recruited from the influential families, और जो funds collect होता था, recruitment किस में था, influential families में, and the position were often, और जो position often होती थी, कैसे होती थी, hereditary. This was true about the army as well, और ये किसके लिए भी सही था, army के लिए. In many cases, बहुत सारी cases के अंदर close relative of the king held their position. जो kings के close relatives होते थे, उसके जो रिश्तेदार होते थे, वो क्या करते थे, positions ले लेते थे. यानी in a local language हम कह सकते हैं कि भाई भतीजा बाद उस टाइम पे चलता था. जो close होता था, जो अच्छा जानकार होता था, जो relative होता था, उसी को position दे दी जाती थी. प्रेबिटेड एंड द लैंड ग्रैंड्स, इसके आगे देखिए कि प्रेबिटेड कॉन्स्टेंट डिटेल दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू, और ये एकदम सही भी नहीं होता था कि आप किसी और को ऐसे ही दे रहे, बट दे टेल अस, वो हमें बताते थे, हाउ रूलर्स वांटेड टू, रूलर्स क्या चाहते हैं, टू डिफ्ट दिमसेल्फ उनसे, एज वैलेंटियर विक्टेरियस वेरियर फॉर एग्जाम्पल, कि अलग अलग चीज़ों के बदले में रूलर्स राजा उनसे क्या कहा चाहते हैं. दीज वर कंपोज्ड बाई द लैंडेड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और इससे क्या होता था, कंपोज होते थे, किसी लर्न्स सीखते थे, किससे, ब्राह्मण से, जो ओकेजनली क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे. द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा, तो नागभट्टा में अचीवमेंट देखिए, मैनी रूलर्स ऑफ डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रेस, बहुत सारे रूलर्स क्या करते थे, प्रेसिस्टी में अपने चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे. यू रीड मोर अबाउट, आप पढ़ेंगे प्रेसिस्टी इन द गुप्ता रूलर्स, गुप्ता जो रूलर थे समुद्र गुप्ता, लास्ट ईयर ना, अपने पिछली बार के बारे में पढ़ा. वन प्रेसिस्ट रिटन इन द संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, एक प्रेसिस्ट को संस्कृत में भी लिखा गया है और जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली है, डिस्क्राइब द, जिसमें बताया गया है, एक्सप्लोरिस्ट ऑफ द नागभट्टा एंड द प्रतिहार किंग्स एज फॉलो, जिसके अंदर ये दोनों ही किंग किस तरह से उसको फॉलो करते थे, ये बताया गया था. द किंग्स ऑफ आंध्रा, आंध्रा के किंग, सांध्रा सिंध के, विदर्भा पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र का एक पार्ट है, एंड द कलिंगा पार्ट ऑफ ओडिशा का, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो किस तरह से क्या थे बिफोर एज राजा बनने से, एक राजकुमार बनने से पहले. ही वॉन अ विक्ट्री ओवर, उन्होंने एक विक्ट्री को जीता, एक युद्ध को जीता, कहाँ पे, चतुर्सिया में, द रूल्स ऑफ द
कन्नौज के, ही डिफेक्ट द किंग ऑफ वेंग पार्ट ऑफ बंगाल, उन्होंने डिफेक्ट कर दिया, राजा को हरा दिया। अनुराधा पार्ट ऑफ गुजरात के, मालवा जो कि पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के थे, किराठा जो कि फॉरेस्ट पीपुल थे, एंड त्रिक्सा जो कि त्रिक्स के थे, वस्ता या जो मत्स्य के थे, बोथ किंगडम इज नॉर्थ इंडिया, दोनों ही क्या है, नॉर्थ इंडिया की किंगडम्स हैं। किंग ऑफ टर्म रिवार्डेड, किंग ऑफ टर्म रिवार्ड किया किसको, ब्राह्मण्स को, बाई ग्रेट्स ऑफ ग्रांट्स ऑफ लोड लोड जमीन देकर के। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन, रिकॉर्डेड किया गया किसमें, कॉपर प्लेट्स में, विच वर गिवन टू द दोज हु रिसीव द लैंड। और ये ब्राह्मण्स को क्या किया, ग्रांड लैंड दिया गया, और वो कॉपर प्लेट्स के लिए जिसको कि क्या करते थे, गिवन दोज द रिसीव लैंड, और जो जमीन मिलती थी उसमें से वो उनको दे दिया करते थे। देखिए यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसके लिए लिखा गया है कि दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स, ये कॉपर प्लेट्स है, रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाई अ रूलर इन द 19th century। इसके ऊपर लिख दिया था भाई ये कहाँ से जीती गई जमीन, किस तरह से दी गई, क्या था। रिटर्न पार्ट इज अ संस्कृत एंड प्लेटी ऑन तमिल, या तो इसमें पार्टली, या तो इसमें संस्कृत में लिखते थे या फिर तमिल में लिखते थे। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टूगेदर एंड सिक्योर्ड विद द रॉयल सील्स, इसको प्लेट्स, इस रिंग के थ्रू इनको आपस में होल्ड किया जाता था और रॉयल सील्स, इनको सील्स में रखा जाता था। टू इनक्रेडिबल दैट दिस इज एन द एंटिक डॉक्यूमेंट्स, और ये क्या था, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स था। वाट वॉज गिव विद द लैंड, और जमीन के साथ क्या किया था, दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ द लैंड ग्रांट गिवन बाय द चार्लस, ये क्या था, एक तमिल सेक्शन का पार्ट था जो कि चार्लस द्वारा जमीन में जब दी जाती थी, सेक्शन ऑफ द लैंड जब जमीन ग्रांट कहती थी गिवन बाय द चार्लस के द्वारा। वी हैव डिमेकेटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाई मेकिंग द अर्थन एंट्रेंसमेंट एज वेल एज बाई द प्लेटिंग थर्नी द बुसेस, तो इनको टांग के जमीन में इस तरह से डिटेल्स में दिया जाता था, मतलब पार्टीशन किया था किसकी कौन सी जमीन है। दिस इज वाट द लैंड कंटेन, इसमें क्या था कि लैंड में क्या क्या कंटेन होता था, फ्रूट बेरिंग ट्रीज होते थे, वाटर लैंड होती थी, गार्डन एंड द ऑर्थरेस्ट ट्रीज, वेल्स, कुएं होते थे, ओपन स्पेस खुली जगह, पिस्टल लैंड किसानी के लिए, विलेज गांव, एंड हिल्स कुछ पहाड़ी इलाका, प्लेटफॉर्म सिंपल जगह, क्लांस डिस्पैच, रिवर्स होती थी, सेट लैंड एंड स्लैंट होती थी, टैंक्स होते थे, ग्रेजिंग लैंड, फिश पॉन्ड्स, बी हीज एंड द डीप लैंड, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए ये दिया जाता था। ही वॉज रिसीव द लैंड कैन कॉफल टैक्स फ्रॉम इट, और वो क्या करते थे, लैंड के बदले में टैक्सेस लेते थे। ही कैन कॉफल द टैक्सेस इम्पोस्ट बाय जजिंग ज्यूडिकल ऑफिस एज फ्रेंड द टैक्स ऑफ बैटल लीव्स दैट अ वुल्थ क्रॉथ एज वेल एज द वुल्थन ही कैन बिल्ड लार्ज रूम विद द अपर स्टोरीज मेड द बैक ब्रिथ ही कैन गेट द लार्ज इन स्मॉल वेज डब ही कैन प्लेंट ट्री एंड द थ्रोनी बुसेस इफ नेसेसरी ही कैन गेट क्लेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इमेजिनेशन, तो वो देखते थे कि किस तरह की जमीन है, अपर स्टोरीज क्या हैं, बेड पकी बीटे हैं क्या, वहाँ पे छोटे और बड़े कुएं खोद दिए जाते थे, ट्री पेड़ लगा दिए जाते थे, कुछ वहाँ पे बुसेस पहाड़ मतलब झाड़ियाँ होती थी। इट इज़ नेसेसरी टू देयर द कैन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर इमेजिनेशन, और वो अपने हिसाब से उसको मैसेज मैनेज कर सकते थे। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, इस चीज़ को इंश्योर किया था कि पानी वेस्ट ना हो, एंड दैट इज द इमार्केबलमेंट, और ये बहुत ही मार्केबल काम होता था ऑफ द ब्रिड्स बनाने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ चैप्टर, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी वन. Thanks for